नमस्कार सभी को। आज हम 10th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हैं। एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन हैं वो तो आपको कहीं भी सॉल्व मिल जाएंगे, बट हमारा उद्देश्य है कि आपको वो सब कुछ दें जो एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको वन बाय वन लिस्ट उनका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम वन मार्क्स क्वेश्चंस लेते हैं और उनको वन बाय वन सॉल्यूशन करेंगे। उसमें हमारा टारगेट होगा कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम वन मार्क्स के क्वेश्चंस को लेते हैं और वन मार्क्स के क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चंस है उसमें कहा गया है कि इन ए सिमिलर ट्राइंगल्स इफ़ यू हैव द टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 10 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, उसमें कह दिया गया है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर वन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल आर पी क्यू से। इनकेस यदि हम यहाँ पर सिमिलर हैं तो यहाँ इन दो ट्राइंगल्स को बना सकते हैं एज यहाँ हमारे पास ए बी सी आर पी एंड क्यू, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर दें इन दोनों ट्राइंगल्स को, और इन दोनों ट्राइंगल्स की जो डायमेंशन हमें दी हुई हैं उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायमेंशन है वो ए बी 3 सेंटीमीटर है, सेकंड बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, आर पी 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। उसने पूछा है कि आर क्यू फाइंड करो, ये हमें फाइंड करने। हमने फर्स्ट थ्योरम थेल थ्योरम में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में हमारे पास ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन हैं और ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। हमारे पास इन सभी दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स गिवन हैं और हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है जबकि आर की पी क्यू की 2 साइड गिवन है। हमें थर्ड साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गिवन में ए बी हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, पी आर पी 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, देन आर क्यू एक फाइंड करना है। बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है आर पी क्यू के, देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कौन सी साइड हमें चाहिए, कौन सी, ऑल साइड आर प्रोपोर्शनल। यू कैन राइट एज ए बी अपॉन आर पी इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर क्यू एंड ए सी अपॉन आर क्यू। यहां पर ए बी आपके पास है 3, आर पी 6 है, बी सी 5 है, पी क्यू 10 है, ए सी 6 है और आर क्यू आपको फाइंड करनी है। नाउ टेकिंग टू फर्स्ट लास्ट टू पार्ट्स, यदि हम दोनों लास्ट के पार्ट ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देन 5 upon 10 इक्वल टू 6 upon RQ। 5 से यदि हम 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आर क्यू इक्वल टू 2 into 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आर क्यू लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम
डी ई डब्ल्यू करके दिया है इन्होंने, देन बी ए बी इज पैरेलल टू ई डी, इफ़ ए डी इज 4 सेंटीमीटर, डी इज 12 सेंटीमीटर एंड डी डब्ल्यू इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बी। तो हमारे पास पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं एज ए क्वेश्चन नंबर। सेकंड की बात करते हैं, वहाँ क्वेश्चन वन हमने लिया, सेकंड ये लिस्ट स्पेशल बनाई है उसके लिए गया है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल में हम यहाँ कंसिडर करते हैं डी, ये ई और ये डब्ल्यू। अब उसने क्या है कि ये ए बी जो लाइन है वो ई डी के ई डब्ल्यू के साथ पैरेलल है, और इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको हम लिख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड देन डी डब्ल्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और हम फाइंड करना है डी बी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने नोट की, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ दोनों ट्रायंगल्स, जब ये ए बी, ए बी इज पैरेलल टू ई डी ई डब्ल्यू, देन ट्रायंगल डी ए बी आर सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ डी ई डब्ल्यू। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि यहाँ पर यदि हम ये कहें कि ये एंगल डी ए बी में और डी ई डब्ल्यू में कॉमन है, और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और ट्रायंगल सिमिलर हैं और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी, और साइड प्रोपोर्शनल होंगी तो हम किसकी फाइंड करना है, डी बी फाइंड करना है। डी बी इट मीन्स दिस, यदि हम इसको एक्स कंसिडर कर लें तो क्या होगा, ए डी या डी ए, हमें ए डी गिवन है, ए डी अपॉन यहाँ पर ए ई यहाँ की गिवन है डी डब्ल्यू, और बी डी और डी ई, डी ई हमें गिवन है ये पूरा होल, तो डी ए डी अपॉन ई डी आल्सो इक्वल टू डी बी अपॉन डी डब्ल्यू आल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन ई डब्ल्यू। यहाँ पर ये भी एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की कि यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी ऑल साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर हम ए डी ए अपॉन डी ई, ए डी बी इक्वल टू डी ओ एंड ए बी अपॉन ई डब्ल्यू हम यदि लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ यहाँ अवेलेबल हैं उनको यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ ए डी, ए डी गिवन है इज 4, ई डी, ई डी या डी ई हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर, डी बी हमें फाइंड करना है, देन डी डब्ल्यू ऑल्सो गिवन इज 24। तो यहाँ पर आप इसको 4 को इससे कैंसिल करेंगे 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी इक्वल टू 24 बाय 3 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास डी बी की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट सिमिलरली इसी टाइप के और क्वेश्चन भी हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ हमारे पास टारगेट है कि आपके जो वन मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जरूरी नहीं है कि ये इसी टाइप के हों, आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू भी आते हैं। तो इनमें हमारे पास एमसीक्यू को ट्रिक करने के लिए भी हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो हमें क्वेश्चंस जो भी हों सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब इनका आंसर हमें एमसीक्यू में ट्रिक करना है चाहे सॉल्यूशन करना है। हमारे पास 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो वन मार्क्स के होते हैं उनको हमें सॉल्यूशन करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है कि इफ़ इन अ ट्रायंगल एबीसी इज डी इज पैरेलल टू बीसी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ हमारे पास इस टाइप का एक ट्रायंगल दिया है जिसमें हमें कहा गया है एबीसी आर ट्रायंगल एंड देन डीई इज पैरेलल टू BC and mark side x, x plus 3, then it x plus 1 or it x plus 5. कहा है find the value of x. तो find the value of x, we know that कि DE is parallel to BC, then triangle ADE are similar to triangle of ABC by एंगल एंगल रूल।
देन यहाँ हम करेंगे तो डैट इज़ ए डी अपॉन, हम यहाँ पर डी भी कह सकते हैं, और ये ए ई अपॉन ई सी। बट हमारे पास ए डी क्या है, ए डी इज एक्स, डी बी या बी डी इज एक्स प्लस वन, ए ई इज एक्स प्लस थ्री और दिस एक्स प्लस फाइव। यहाँ हम देखेंगे कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस थ्री, देन एक्स प्लस वन। यहाँ हम इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन ये आप एक्स की टर्म्स को लेफ्ट में लाएंगे तो ये 5x माइनस 4x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज ऑफ x आ गई। यहाँ हमारे पास एक ही टर्म्स है कि साइड्स पर प्रोपोर्शनल होंगी, हम उनको ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप का है, हमें गिवन है कि लेंथ गिवन है, साइड गिवन है, उन्हीं में से हमें फाइंड करना है एज बट टू सम आर डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर मार्क करते हैं और फोर में ऑलरेडी सेम फिगर इसी टाइप की है और ये ए बी सी यहाँ डी एंड ई पॉइंट मार्क किए गए। देन यहाँ पर हमें कहा गया कि ए ई इज एट, ए ई इज एट सेंटीमीटर, देन सी ई इज टू सेंटीमीटर, देन बी सी इज सिक्स सेंटीमीटर, देन फाइंड देन डी ई, ये आपको फाइंड करनी है, लेट बी एक्स। तो यहाँ हमारे पास फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हम यहाँ क्या लें, तो इन ट्राइंगल्स ये आपको कहा गया है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम भी ट्राइंगल ए डी ई आर सिमिलर टू ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, देन साइड आल्सो प्रोपोर्शनल। तो यहाँ हम साइड लेंगे तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में ए डी ई में देखेंगे तो ये ए डी ई की साइड 8 मीन्स ए ई अपॉन होल साइड, बिग ट्रायंगल की बड़ी साइड लेंगे तो ए सी, आल्सो डी ई अपॉन बी सी। हमारे पास ए ई क्या है, ए ई इज 8, बट व्हाट इज ए सी, ए सी इज सम ऑफ ए ई प्लस ई सी मीन्स 8 प्लस 2 इक्वल टू डी ई इज x और बी सी इज 6। तो आपके पास यहाँ क्या आया, ये 8 अपॉन 10 इक्वल टू x अपॉन 6। आप यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 48 अपॉन 10 मीन्स x इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको इस तरह से मेंशन कर लेंगे। यहाँ हमारे पास है वैल्यूज ऑफ एक्स या डी ई, वो 4.8 आ गई। नेक्स्ट कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चनों को हम वन बाय वन सेलेक्ट करके इसलिए लाए हैं कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन सब की प्रैक्टिस हो सके। आपको टू फ्रैंक हम बता दें कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं। तो जब एग्जाम्पलर से आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को एग्जाम्पलर से करें, बट कई बार आपको क्वेश्चंस में वैल्यूज़ चेंज होंगे मिलेंगी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। देन इन अ गिवन फिगर्स इज एनी वन ट्रायंगल एज पी क्यू आर एंड एक्स वाइज लाइन आर पैरेलल टू क्यू आर, हमें गिवन था। यदि हम सॉल्यूशन ले रहे हैं इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, गिवन है, उनको हम लिखेंगे। हमें कहा गया था कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 7 अपॉन 3।
और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पी आर इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, देन फाइंड वाई आर, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम, यदि हमें मालूम है कि ये लाइन पैरेलल है, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर है, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल इज पी एक्स वाई आर सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, देन साइड आर प्रोपोर्शनल। अब ये जो हमें पी क्यू गिवन है वो पी क्यू इज दिस और एक्स क्यू इज दिस, ये होल एंड डिवाइडेड बाय दिस। यदि इसी फॉर्म में हम इसको लें तो क्या हम वाई आर मीन्स दिस ये फाइंड कर लेंगे। पी आर ऑलरेडी हमें गिवन है तो उसी फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हम लेंगे मीन्स पी क्यू अपॉन एक्स क्यू आल्सो पी आर अपॉन वाई आर। ये हमारे पास रिलेशन था, हमने प्रोपोर्शनल साइड ली। तो यहाँ हम यूज कर दें, यदि पी क्यू इज दिस मच और क्यू एक्स, पी क्यू अपॉन क्यू एक्स इज 7/3 एंड ऑल्सो इक्वल टू पी आर इज 6.3 एंड डिवाइडेड बाय वाई आर। वाई आर मीन्स दिस, यदि आप इसको एक्स कंसिडर करें या फिर हम वाई आर ही लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए 7 वाई आर इक्वल टू 3 × 6.3, वाई आर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दे दिए आप या एज इट लिख देंगे, डिवाइड बाय 7, तो 7 से यहाँ कैंसिल करेंगे 0.9 आएगा। और वाई आर निकालने के लिए 9 × 3 = 27 मीन्स 2.7 सेंटीमीटर होगा। इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं, वन बाय वन हमने लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं 1 मार्क्स का आज इस क्लास में, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है। इसमें कहा गया है कि इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और उसमें कहा गया है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कुछ रिलेशन है पी क्यू आर इज इक्विलेटरल एंड दैट पी एक्स इज परपेंडिकुलर of this base and find the value of px square, ये हमें find करना है। Given क्या है ये mention कर देते हैं, बता देते हैं कि इसमें solution हम करेंगे तो in triangle PQR आपके पास all side equal हैं, PQ equal to QR equal to PR ऑल साइड इक्वल है, बट यदि ये पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर है तो ये इक्वलर ट्रायंगल्स में जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं विच इज डिवाइडेड बाय इक्वल टू पार्ट्स बेस, मीन्स यहां पर क्यू एक्स इक्वल टू एक्स आर होगा, इक्वल हो गया, हाफ हो गया। अब इसमें हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, पी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। पी एक्स स्क्वायर में यदि हम ये देखें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि हम ये कंसिडर कर लें कि यहाँ हमारे पास ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो क्या होगा, ये एक्स, या हम इसको एक्स तो यहाँ लिया हुआ है, हम वाई ले लेते हैं और वाई में भी हम लेट कर लें कि यहाँ पर ये जो इक्वल है ये 2y के इक्वल हो गया। हमने लिया पी क्यू क्यू आर एंड पी आर आल्सो 2y, तो ये यदि 2y है, ये 2y है, तो ये y और y होगा, ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। तो यदि हम ये पी एक्स को निकाल लें तो क्या होगा, पी एक्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एक्स आर, पी एक्स आर में आप देखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है, हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर, और इसको यूज करके हमें पी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पी आर क्या है, व्हाट इज पी आर, पी आर इज 2y और एक्स आर,
एक्स आर इज दिस मीन्स वाई, तो ये उधर जाके माइनस होगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास होगा फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स थ्री वाई स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था, पी एक्स स्क्वायर इज व्हाट इज पी आर स्क्वायर मीन्स थ्री वाई स्क्वायर। इस टाइप आपके पास आज हमने जो लिए वो वन मार्क्स क्वेश्चन लिए, और वन मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारा मैटर होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस वन मार्क्स के तैयार होते हैं, उन्हीं को सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टू मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे।